हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइंड। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज में जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीरीज में फर्स्ट नंबर है 1, सेकेंड है 4, थर्ड है 2, फोर्थ है 8, उसके बाद है 6, फिर 24 है और 22 है। उसके बाद जो है मिसिंग टर्म है। मिसिंग टर्म क्या होगा ये हम लोगों को पता करना है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टर्म है 1, उसके बाद सेकेंड टर्म आप देख रहे हैं कि 4 है। तो अगर हम लोग 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी फर्स्ट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मिल जाता है सेकेंड टर्म। उसके बाद सेकेंड टर्म में से अगर हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा थर्ड टर्म, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड टर्म जो है उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 8, जो कि हमारा फोर्थ टर्म है, यानी थर्ड के बाद जो अगला टर्म है फोर्थ, वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो सेकेंड टर्म मिला, फिर सेकेंड में से 2 घटा दिए तो थर्ड टर्म मिल गया, और थर्ड टर्म को फिर 4 से मल्टीप्लाई किए तो फोर्थ टर्म मिल गया। अब फोर्थ टर्म में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिफ्थ टर्म मिलेगा, फिर फिफ्थ टर्म को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिक्स्थ टर्म आ जाएगा, फिर सिक्स्थ टर्म में से अगर हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेवेंथ टर्म मिल जाएगा, और फिर उसके बाद जो मिसिंग टर्म है, जो एट्थ टर्म है, उसके लिए हमको सेवेंथ टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 22 इंटू 4 हो जाएगा 88, जो कि हमारा मिसिंग टर्म होगा 88। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।